जिला एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन विकास से ज़्यादा विनाश हो रहा है। पूरा जिला प्रदूषण की मार झेल रहा है। आए दिन आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। लगातार कोयला टेलरों की चपेट में आने से मौतें हो रही हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन चुपचाप तमाशा देख रहा है। इसी सिलसिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने की मांग भी की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का दावा है कि लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उधर जल संसाधन विभाग की साजापानी तालाब योजना के क्षेत्र के हितग्राहियों के पट्टे की भूमियों, जिनमें से 21 आदिवासियों की जमीन ले ली गई है, लेकिन जमीन का मुआवजा और पुनर्वास अनुदान की राशि का भुगतान 3 वर्षों के बाद भी नहीं किया गया। ज्ञापन में इसका भुगतान करने की मांग उठाई गई है। नेताओं का कहना है कि बरगवा कोलियाड में प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर व एनजीटी द्वारा आदेश जारी किया गया था। प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की बराबर मात्रा में उपयोग किया जाए, लेकिन इस आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा।